नमस्कार, मनी नाइन में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश अग्रहरि। आज मनी ज्ञान में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF शेयर बाजार में लिस्ट और ट्रेड होने वाले फंड हैं, जो कि काफ़ी हद तक म्यूचुअल फंड्स की तरह काम करते हैं। आमतौर पर ETF किसी इंडेक्स, सेक्टर, कमोडिटी या अन्य एसेट को ट्रैक करते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के विपरीत ETF को किसी स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा या बेचा जा सकता है, जैसे कि शेयरों की खरीद फरोख्त होती है। इंडेक्स फंडों की तरह ETF ज़्यादातर किसी खास मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, जैसे कि NSE निफ्टी या BSE सेंसेक्स। ETF का मैनेजमेंट पैसिव तरीके से होता है। ETF और अन्य तरह के इंडेक्स फंड में अंतर यह है कि ETF अपने संबंधित इंडेक्स से बेहतर प्रदर्शन की कोशिश नहीं करते, बल्कि इंडेक्स के प्रदर्शन की ही कॉपी करने की कोशिश करते हैं। यानी वे बाजार से बेहतर नहीं, बल्कि बाजार के जैसा ही रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। किसी ETF की ट्रेडिंग वैल्यू उसके अंडरलाइंग एसेट के नेट एसेट वैल्यू पर निर्भर करती है। ETF के मूल्य वास्तविक समय में पता चल जाते हैं, यानी लेन देन के समय ही इनके दाम का पता भी चल जाता है, जबकि म्यूचुअल फंडों के NAV के साथ यह नहीं होता है। NAV का कैलकुलेशन दिन के अंत में होता है। म्यूचुअल फंड्स की तुलना में ETF में डेली लिक्विडिटी ज़्यादा होती है और फीस कम होती है, इस वजह से यह निवेशकों में थोड़े लोकप्रिय हुए हैं। भारत में ETF की बात करें तो निफ्टी 50 जैसे इंडेक्स ETF, गोल्ड ETF, सिल्वर ETF, बैंक ETF, लिक्विड ETF, इंटरनेशनल ETF आदि चल रहे हैं।